हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स टर्न। डिस्कस करेंगे एक यूनिक बुक के बारे में, क्योंकि बेस्ट कहना तो शायद छोटा होगा, तो यूनिक कहें, क्रिएटिव बुक कहें, मनोविज्ञान बाय दीपक शर्मा। और इसको देखेंगे, अभी प्रॉपर अंदर से देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे, क्या स्पेशल है, व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये यूनिक है, क्रिएटिव है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू, एक अलग टाइप का रिव्यू कह लीजिए आप इसको, एक मेरी ओपिनियन कह लीजिए, तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे ये बुक डिफरेंट है बाकी की बुक से, जो आपकी डीट प्लस भी, सीटेट या जितनी भी अदर बुक्स आती हैं जो आपकी मनोविज्ञान वाली कैटेगरी है उसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बुक पर बाद में चलेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ये क्यों आपके लिए रिलेवेंट है और क्यों आपको लेनी चाहिए, या फिर आपका रीज़न अपना हो सकता है लेने ना लेने का। स्टार्ट करते हैं, यूनिक बुक कहें इसको या क्रिएटिव बुक मैं कहूँगी, इसका रीज़न आपको जब हम लोग बुक्स बुक पे चलेंगे देखने के लिए कैमरा के थ्रू, तो हम लोग को पता लग जाएगा। फर्स्ट चीज़ जो इसके लिए इसमें यूनिक है वो है कंटेंट लिस्ट। मतलब कंटेंट लिस्ट आप अगर देखेंगे, 9 चैप्टर्स में पूरा कवर किया हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मेन चीज़ें हैं, मेन क्या, डीप में भी और क्वेश्चंस भी, मतलब कि एक अलग वे है हर एक चैप्टर का, आपको स्कीमा मिलेगा। स्कीमा मतलब प्योर साइकोलॉजी का वे है बुक बनाने का और लिखने का। स्कीमा मतलब कंटेंट लिस्ट आपको हर चैप्टर का मिलेगा कि भाई किसके अंदर कौन से पॉइंट्स दिए हैं इस चैप्टर में। उसके बाद आपको चैप्टर का पूरा एक बहुत ही आसान सी भाषा में, दोनों टर्म यूज़ की गई हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों जहाँ पर भी ज़रूरत है, बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अभी देखेंगे ये सारी चीज़ें हम, और फुट नोट्स वगैरह में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके समझाई गई हैं। सारी थियोरीज, चाहे वो कैनन बार्ड हो, चाहे जेम्स लैंग हो, डॉलार्ड मिलर हो, कोई भी थियोरी है जो आपने इधर उधर देखी है डीप प्लेसमी में, कोल्ब हो, जॉन लॉक हो, कोई भी थियोरी, वो अलग वे में प्रेजेंट की गई है, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद आपको हर चैप्टर के बाद एक तो की पॉइंट्स में वन लाइनर्स जिनको आप कहते हैं, तो वो मिल जाएंगे कि मेन चैप्टर में क्या था, इससे वन लाइनर्स किस तरह से बन सकते थे, क्या पॉइंट्स आप याद रख सकते थे। उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में, क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होंगे, मतलब वही रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लेकिन वो वाले जिनका लेवल थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक प्रॉपर लॉजिक जिसमें आपका लगेगा उस तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो हर एक चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चन से पहले वन लाइनर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको अपना स्पेस मिलेगा जिसमें आप नोट्स बना सकते हैं। तो एक ये बात हुई इसके कंटेंट के बारे में। नेक्स्ट है आपका साइज़, तो A4 साइज़ है लगभग, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकती कि A4 ही है, बट उतना ही है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, अभी आप लोग देखेंगे तो समझेंगे। तो एक बड़े पेजेस हैं प्रॉपर, और आप खुल के पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतनी सी जगह होगी, और क्वेश्चन बैंक 1100+ क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे, टोटल 1100+ क्वेश्चंस, चाहे वो सीटेट के इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हो, और ज़्यादातर नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर के बाद। दोनों लैंग्वेजेस में होंगे क्वेश्चंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, विद आंसर्स, क्योंकि कई बुक्स में क्या होता है, हमें कॉन्टेंट मिल जाता है तो आंसर नहीं मिलते, तो वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। उस तरह से भी ये बुक बाकी बुक्स से अलग है, और डायग्राम्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं जहाँ पर भी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी की बुक्स हम उठाते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो एसके मंगल हो, चाहे वो अरुण कुमार सिंह हो, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट जस्ट एक ओपिनियन है, एग्जांपल है, तो आपको मिलती हैं बिल्कुल मुश्किल से कुछ टेबल्स आपको देखने को मिलती हैं पूरी बुक्स में, बट ये बुक आप खुद देखेंगे जब अभी हम चलेंगे कैमरा के थ्रू, तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे फ्लो चार्ट्स जहाँ पर भी जितनी क्रिएटिविटी इसमें लग सकती है उतनी लगाई गई है, जिससे कि बेहतर समझ हमारी बने साइकोलॉजी को लेके। तो एक वो चीज़ है, डायग्राम हो चाहे फ्लो चार्ट्स हो, और लैंग्वेज तो बहुत आसान है, ये बात हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं बिल्कुल, जो इसके ऑथर हैं, ही इज़ माय मेंटोर, तो मेरे व्यक्तिगत भावनाएं भी इस बुक से जुड़ी हुई हैं, बट उसको साइड में रख के जो लॉजिकल चीज़ें हैं उसको मैंने आपके सामने दिखाया है, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा कि वहां से उठा के डाल दिया है। नेक्स्ट है आपका अ गुड कवरेज इन 294 पेजेस, सिर्फ 294 पेजेस में आपके क्वेश्चंस, 1100+ क्वेश्चंस, सारी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज जितनी भी हैं सब एक प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो लाइन में एक्सप्लेन की है, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो कंटेंट कवरेज जो है एक बेहतर है। प्राइस की अगर बात करें, क्योंकि भाई हमारे लिए प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 200 से 210 के बीच में आपको ये पूरे दिल्ली में, NCR में भी अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक ये बात हुई, तो इतने इतने MRP पे, इतने प्राइस पे आपको एक 1100 क्वेश्चंस के साथ प्रॉपर सारी थियोरीज मिलना, आप जानते हैं मार्केट में क्या बात है,
तो एक प्रॉपर बायस रिव्यू है भाई, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं तारीफ़ ही कर रही हूँ, क्योंकि तारीफ़ की बात है और बिल्कुल अलग है बाकी बुक से, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो चलते हैं, देख लेते हैं, अब बातें बहुत हो गई, मैंने बता भी दिया आपको मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, कैसे अलग है, और अब देख लेते हैं, बुक पे चल के देख लेते हैं स्पेशली किस तरह से क्या अलग है इसमें। तो देखेंगे मेन मेन चीज़ें इस बुक के बारे में, फटाफट से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान बाय दीपक शर्मा, ये आप देख चुके हैं, और पहले चैप्टर्स को देख लेते हैं, मेन चीज़ें क्या हैं, कंटेंट क्या है, बाकी सारी बातें तो हम कर ही चुके हैं। तो शिक्षकों और शिक्षार्थियों को समर्पित ये कंटेंट लिस्ट है, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे। सबसे पहले बताया गया है किस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर आपको 9 चैप्टर्स में आप जो सब पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस चैप्टर के अंदर कौन सी थियोरी दी गई है, क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं और किस तरह से समराइज़ किया गया है, ये आप फटाफट से देखें। 9 चैप्टर्स में पूरा जो सारा कुछ सिलेबस है आपके साइकोलॉजी का, सब कवर्ड है, चाहे वो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, मेमोरी हो, जो भी चीज़ें हैं, सभी के बारे में बात की गई है, सारी थियरीज़ के बारे में बात की गई है, कार्ल रॉजर्स से लेकर के और सभी के बारे में बात हुई है। यहाँ पर सबसे पहले एक अलग सी चीज़ है, पढ़ाई कैसे करें, ये बुक आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप याद रख सकते हैं चीज़ों को, क्या एक अलग अलग तरीकों को आप अपना सकते हैं जो आपको ज़्यादातर बुक्स में देखने को मिलता नहीं है। उसके अलावा आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कुछ छोटे निमोनिक्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्किनर इज़ विनर, तो आपको याद रखना है कि स्किनर का सिद्धांत क्या है, तो जो विनर होता है वो कौन होता है, उसको रीइन्फोर्समेंट मिलता है, प्राइज़ मिलता है। तो उसी तरह से स्किनर की थ्योरी किस पर बेस्ड है, रीइन्फोर्समेंट पर बेस्ड है। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं, आगे चलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, आपको ट्रिक्स समझाई गई हैं किस तरह से आप पढ़ सकते हैं मेन चीज़ें। फर्स्ट चैप्टर पर चलते हैं फटाफट से, फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 1 कहता है भाई कि जो इसका स्कीमा है, जो कंटेंट लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी है, ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। लास्ट में महत्वपूर्ण संप्रत्यय, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वन लाइनर की फॉर्म में, वो भी दिए हुए हैं हर चैप्टर में, और हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादातर नए क्वेश्चंस होंगे, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे कहाँ से शुरुआत हुई किस चीज़ की, फुट नोट्स में जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हुआ ही है। फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर को का ओवरव्यू लेते हैं और एक दो चैप्टर्स को और देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह का आपको लैंग्वेज मिलेगी इसमें। ये आप देख सकते हैं इस तरह से यूज़ की हुई है चीज़ें, और बढ़ते हैं आगे फटाफट से, क्वेश्चंस पर चलते हैं जहाँ पर ज़रूरत है, चाहे वो वुंट हैं, ये पूरा आपको दिखाया गया है कि गुस्ताव फैक्नर से लेकर के और लास्ट में आपका वॉशबर्न तक किस तरह से साइकोलॉजी का विकास हुआ, जो ज़्यादातर जगहों पर आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे फटाफट से देखेंगे, यहाँ आपको दिखाया गया है कि भाई कैसे स्ट्रक्चरलिज्म से और ह्यूमनिज्म तक का विकास हुआ, मेन मेन चीज़ें आपको बताई गई हैं, और सारी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं सभी हैं इसमें और प्रॉपर एक्सप्लेन्ड वे में हैं। तो ये एक बात हुई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो वन लाइनर्स की फॉर्म आप इनको कह सकते हैं, पॉइंट्स के थ्रू दिया गया है, जो मेन चीज़ें आप चैप्टर के बाद याद रख सकते हैं। उसके बाद MCQ के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश और दोनों में ही, और आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कितने अलग हैं। आगे चलते हैं फटाफट से देखेंगे, क्योंकि अभी पूरा हमें 2-4 चैप्टर्स और देखने हैं। इस तरह से हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन हैं और कुछ 1100+ क्वेश्चन हैं टोटल बुक में मिला करके, अगर हम चैप्टर्स के अलावा की बात करें तो ये एक बात है, आंसर साथ में दिए हुए हैं। इसके बाद मन चेतन एवं व्यक्तिक भिन्नता, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट फटाफट से चलेंगे, इस तरह से समझाया हुआ है, ये आपका ब्लूम की टैक्सोनॉमी है आई थिंक, और इसको प्रॉपर तरीके से परिभाषित किया गया है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर फ्लो चार्ट है, आपके एग्जाम्पल्स हैं और सारे ही सारे पिक्चर्स वगैरह सब रियल लाइफ रियल क्लास रूम के एग्जाम्पल हैं, और ये सारी थियोरीज़ हैं आपकी जो लर्निंग थियोरीज़ हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन हैं, कुछ 160 क्वेश्चन हैं आई थिंक लर्निंग के, तो इस तरह से हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को, ये एटकिंसन और शिफ्रिन की थ्योरी है मेमोरी से रिलेटेड, तो बहुत सारी थ्योरीज को भी शामिल किया गया है। तो यही थी मेन चीज़ें जो आप इस बुक के बारे में ध्यान रख सकते हैं, बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, सारी चीज़ें तो छोटी सी वीडियो में नहीं बताई जा सकती, तो ये एक बात हुई। बाकी जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी आपको मिल जाएंगी प्रॉपर डायग्राम के थ्रू, बिल्कुल रफ़ बुक नहीं है, आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में जब आप पढ़ने बैठेंगे, चाहे दोनों ही लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भरपूर है, तो मोटिवेशन में भी जहाँ पर भी ज़रूरत है प्रॉपर सभी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी में भी, तो कार्ल रॉजर्स की थियोरी हो, चाहे फिर बाकी अगर इमोशंस की बात करें तो कैनन बार्ड और जितनी भी नई थियोरीज़ हैं, प्याजे को भी एकदम अलग तरीके से पढ़ाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं बुक बेसिकली, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है बात। तो यही कुछ बातें आप लोग को दिखानी थी, आई होप आपको ये बुक पसंद आई होगी। अगर इनके ऑथर की बात करें तो
सर इज़ टीचिंग फॉर मोर देन 2 डेकेड्स, और रिसर्च हो चाहे बाकी की चीज़ें हों, साइकोलॉजी में नेट हो, JRF हो, ये सारी चीज़ें ही इज़ डन विद. तो ये सारी चीज़ें हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें. ये जो बुक है आपको दिल्ली NCR में सभी जगह मिल जाएगी, इसके अलावा ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी कुछ ही टाइम में. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ. कोई भी डाउट हो इस बुक के रिगार्डिंग तो पूछें. इसका गिव अवे हम जल्दी ही करेंगे, बहुत जल्द करेंगे गिव अवे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है. दिस इज़ मी, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया गया है बुक में. चलिए फिर, बाय बाय.